उज्जैन के लोकमान्य तिलक चौराहे पर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले युवक को पुलिस ने पिटाई की। युवक की पिटाई के बाद उसे थाने ले जाकर मामला दर्ज किया गया। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र में कई स्कूल और कॉलेज आते हैं। प्रतिदिन महिलाएं, बालिकाएं और छात्राएं आना जाना करती है। एक युवक रेलवे स्टेशन के मुख्य चौराहे पर आने जाने वाली छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करता है और परेशान करता है, जिसकी सूचना छात्राओं ने पुलिस को दी। सूचना पर तुरंत पुलिसकर्मी पहुंचे और उस युवक को पुलिस ने पहले पीटा और थाने लाकर मामला दर्ज किया। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कई स्कूल कॉलेज भी आते हैं, तो जिस प्रकार से छेड़खानी ना हो, बच्चे छात्राएं परेशान ना हो, उसको लेकर किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है। वहीं एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी आया, किस प्रकार से संज्ञान लिया गया, किस प्रकार से क्या रहा? देखिए, जो थाना नीलगंगा क्षेत्र में काफ़ी स्कूल हैं और चौराहे भी हैं, स्वाभाविक है समय समय पर जो है जागरूकता कार्यक्रम तो चलते ही रहते हैं और लड़कियों को अवेयरनेस वगैरह के बारे में बताया जाता है कि वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए थोड़ा सा सतर्क रहें। महिला हेल्पलाइन है, चाइल्ड हेल्पलाइन है, पुलिस की शांतिदूत योजना है, 100 डायल योजना है, ये काफ़ी इस तरीके की जो है सुविधाएं उनको प्रदत्त की गई हैं, जिस पर वो अपने कॉल करके और इस तरह की कोई भी घटना होती है उसको सूचना दे सकती है। अभी जो है परसों के दिन इसी तरीके से एक घटना हुई थी कि एक बच्ची ने जो है ये सूचना दी थी कि एक व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है। हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करके लोडी स्कूल के पास में और उस व्यक्ति को पकड़ा था और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।